यूनिट सेल को कैसे याद करें, तो कुछ इसके ट्रिक्स होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें सी टॉम ट्रू है, अगर हम यहाँ पे देखें तो पार्ट को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और इस सेवन टाइप को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर देंगे याद करने के लिए। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि सी टॉम ट्रू है, दैट मीन सी फॉर कैट, और कैट जो होता है वो होता है टॉम, और टॉम मतलब कैट, टॉम है तो मतलब वो ट्रू है, दैट मीन है कैट टॉम ट्रू है। हमने यहाँ पे डिवाइड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो करेंगे एक्सियल लेंथ के लिए, तो एक्सियल लेंथ के अगले हम करें तो ए इक्वल में बी इक्वल में सी, दैट मीन यहाँ पे क्यूबिक में सारे लेंथ बराबर होंगे, फिर ए बी एंड सी, फिर ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। सिमिलरली हम सभी के लिए सेम करेंगे। अब हमें करना क्या है कि हम फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे और सेकंड में बी और सी को नॉट इक्वल कर देंगे, देन थर्ड में हम थर्ड को ए बी सी को नॉट इक्वल। अब हमें काउंटिंग करनी है वन टू एंड थ्री, दैट मीन ये तीनों ही क्या होंगे, तीनों ही नॉट इक्वल होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो बचा है लास्ट के दो बचे हैं, तो इन्हें हम जो पहले दूसरे का पैटर्न है सेम वही फॉलो करेंगे, मतलब ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक्सियल एंगल पे, एक्सियल एंगल पे हम देखेंगे फिर हम क्या बनेंगे यहाँ पे अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। अगर हम यहाँ पे देखें तो तीनों ही 90 डिग्री के बराबर आते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट में, तो फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे देखेंगे कि अल्फा एंड गामा, सॉरी अल्फा एंड गामा 90 डिग्री होंगे बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हम थर्ड में फिफ्थ पार्ट में आ जाते हैं, तो फिफ्थ पार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी एंगल बराबर नहीं है, नॉट इक्वल सभी के लिए। फिर हम अगर हम यहाँ पर देखें तो जो फोर्थ एंड सिक्स है दोनों कुछ कॉमन होते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा एंड गामा नॉट इक्वल में 90। अगर मैं फोर्थ और सिक्स में देखूँ तो फोर्थ में बीटा नॉट इक्वल टू 90 था और सिक्स में गामा नॉट इक्वल टू 90 है। फिर हम लास्ट में आ जाते हैं, तो लास्ट में हमारा होगा अल्फा एंड बीटा 90 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये है आसान तरीका कि हम कैसे किसी सेवन टाइप यूनिट सेल को हम इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है।